तो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है अपनी वीडियो का वो है डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट ए डबल एफ ई सी टी एंड इफेक्ट ई डबल एफ ई सी टी। तो आइए, ये दोनों वर्ड लगभग एक से लगते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है इनको कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि किसको हमें कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट की बात करते हैं। इसका प्रोनंसिएशन देखो आप, प्रोनंसिएशन है इसका अफेक्ट, ठीक है। एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखें तो प्रभावित करना या प्रभाव डालना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर प्रभावित करना। अगर इंग्लिश में देखें टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर जब हमें एज एन एक्शन यूज़ करना है वाक्य में तो वहाँ पे हम ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, प्रभावित करना या किसी के ऊपर प्रभाव डालना। आइए सेंटेंस देखते हैं, तो सेंटेंस देखने से और आपको क्लियर होगा। गोइंग टू वॉर विल अफेक्ट एवरी वन इन द कंट्री, यहाँ पे क्या बोला हमने, युद्ध में जाने से या युद्ध होने से देश में हर कोई प्रभावित होगा। अगर मान लो इस तरीके कोई सिचुएशन हो जाती कि दूसरे किसी देश से कंट्री से युद्ध होता है, लड़ाई होती, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सभी लोग उससे प्रभावित होंगे निगेटिवली, ठीक है। तो गोइंग टू वॉर विल अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी एज ए वर्ब यूज हुआ है, एवरी वन इन द कंट्री। एक और सेंटेंस देखते हैं जिससे और ये क्लियर होगा। ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट एज ए वर्ब, द टीचर अफेक्टेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कोई जो शिक्षक है उसने मेरे आत्मविश्वास को प्रभावित किया, मतलब जो मेरा आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन था तो उस टीचर के संपर्क में आने से वो इंक्रीज हुआ, बढ़ा। तो इसको क्या लिखा है यहाँ पे, अफेक्टेड, ए डबल एफ ई सी टी अफेक्टेड, पास्ट में है इसलिए ई डी लगाया, अफेक्टेड एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। द टीचर अफेक्टेड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो होपफुली आपको अफेक्ट क्लियर हो गया होगा, हम अफेक्ट एज ए वर्ब यूज़ करते हैं नॉर्मली। अब ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट, ठीक है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इफेक्ट, ये एज ए नाउन यूज़ करा जाता है मैक्सिमम। तो इसका क्या होता है, प्रभाव, परिणाम, असर, इंग्लिश में अगर देखें तो कोई रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अफेक्ट होने के बाद, प्रभाव पड़ने के बाद जो रिजल्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं तो और क्लियर होगा। द स्पेशल इफेक्ट इन मूवीज आर एडिड बाई कंप्यूटर्स, जो मूवी में स्पेशल इफेक्ट जोड़े जाते हैं वो किससे जोड़े जाते हैं, कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इफेक्ट्स एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है। तो द स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज आर एडिड बाई कंप्यूटर्स, यहाँ पे आप ध्यान रखना है इफेक्ट ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। एक और सेंटेंस देखेंगे तो ये क्लियर होगा आपको। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन हर इलनेस वॉज वेरी गुड, किसी के ऊपर दवा का असर जो है, तो असर क्या है, कोई एक्शन हुआ उसके बाद का जो रिजल्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, इफेक्ट उसके लिए यूज़ कर रहे हैं एज ए नाउन। तो द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन हर इलनेस वॉज वेरी गुड, उसका इफेक्ट जो है, असर जो है, प्रभाव बहुत ही अच्छा था। तो होपफुली आपको ये ए डबल एफ ई सी टी अफेक्ट एज ए वर्ब और ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट एज ए नाउन यूज़ होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस तरीके के वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।